अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आयशा जुल्फिकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कहूँ, मेरे हाथों में चली गई यार वो। अनारकली धमाके के बाद अहले लाहौर उदास, आइसक्रीम खाने जाने वाली 6 साल की सादिया मौत की आगोश में चली गई, वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। बम धमाके में बॉल बैरिंग और लोहे की पतरियां इस्तेमाल की गईं, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ, लाहौर समेत पंजाब भर में अवामी मकामात पर सिक्योरिटी सख्त। रुझान में इश्तहारियों का 2 चेक पोस्टों पर हमला, 8 अहलकारों को यरगमाल बना लिया, कई घंटे से पुलिस और मुसल्ह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला। डेरा गाजी खान में वैन नहर में जा गिरी, 11 मुसाफिर डूब गए, कराची में बनारस पुल पर बस उलटने से 2 अफराद जान बहक, 13 जख्मी। चाइना सदरन पावर कंपनी पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में ताबुन पर तैयार, वजीर आजम नवाज शरीफ चीन के साथ मिलकर गवादर पोर्ट की तरक्की के लिए पुरअज़्म। कराची और सखर में एमक्यूएम का जनरल वर्कर्स इजलास, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी, अल्ताफ हुसैन का खिताब मुतवक्के। रमजानुल मुबारक से पहले इतवार बाजारों में भी शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर, इंतजामिया मुंहजोर दुकानदारों के सामने बेबस। वर्ल्ड हॉकी लीग में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर 7वीं पोजीशन हासिल कर ली। बारान रहमत ने छुट्टी का लुत्फ दोबाला कर दिया, शहर बेमिसाल में शहरियों का तफरीही मुकामात का रुख, साहिल समंदर पर अहले कराची का हल्ला गुल्ला। और आ बैल मुझे मार, स्पेन में रिवायती फेस्टिवल शुरू, बिफरे बैल को हुजूम में खुला छोड़ दिया गया।